So good morning friends, welcome to the channel once again. So friends, ये update रहेगा आज का vlog में कि अभी snowfall के बाद बर्फ़ कहाँ कहाँ है मसूरी साइड में. हम अभी जा रहे हैं धनौल्टी साइड. मसूरी में तो डेफिनेटली बर्फ़ नहीं है, धनौल्टी साइड चांसेस है जहाँ पे बर्फ़ मिल जाए हमें. वहाँ नहीं मिलेगी तो उससे आगे जाएंगे कनाताल साइड, होपफुली वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी. तैयारी हमने कर ली है और आपको ले चलते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्नो इन मसूरी रेंज. ठीक है, तो लेट्स गो फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स हो गए हम लोग रेडी और हमारे साथ जो दूसरी फैमिली जा रही है वो भी रेडी हो गए. बोलो जय माता की. दूसरी फैमिली हाँ वो भी जा रहे हैं. तो हम लोग रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं फटाफट धनौल्टी के लिए. तो फ्रेंड्स ब्रेक लिया हमने बीच में. ये देखो वो बर्फ पड़ी हुई है और ये देखिए पूरी हिमालय रेंज. तो हाय फ्रेंड्स, ब्रेक ले लिया हमने, लंच ब्रेक. और ये धनौल्टी से 5-7 किलोमीटर पहले हमारी जो पार्टी आई है वी रीच ये. और ये हमारा प्यारा सा वो भी बोल दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. बोलो 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 बोलो. आप अच्छा बोलते हैं. एक कप चाय, कमेंट कितने कप चाय, कप चाय कितनी. तो ये है होटल माउंट व्यू और ऑलरेडी बर्फ तो यहाँ पे है, छाया है जहाँ पे अब मेल्ट नहीं हुई है एंड यहाँ पे काफ़ी बर्फ पड़ी हुई है. ये देखो अभी वैली में पूरी बर्फ यहाँ पे है. तो यहाँ से आप पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ छाया ही रहती है दिन भर तो यहाँ इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुई. तो लंच करके यहाँ से बस धनौल्टी पहुँचने वाले. हो सकता है धनौल्टी यहाँ से और 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ तक का रश हो, वहाँ पर अच्छी मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी, वहाँ पर बर्फ लेकर इन्जॉय करके फिर वापस देहरादून ले जाएंगे. तो अब है लंच की बारी, चलो लंच करते हैं. तो देखो दोस्तों कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है दोनों साइड अनएक्सपेक्टेडली. हमें लग नहीं था कि बर्फ मिलेगी लेकिन बहुत बर्फ पड़ी हुई है. वाह. तो फ्रेंड्स थोड़ी जैम सिचुएशन हो गई है, लोगों ने गाड़ियां लोग रोक रखे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है हमें इको पहुंचने के लिए. तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम धनौल्टी. तो यहाँ पे एक चीज़ है कि दो इको पार्क है यहाँ पे, तो एक है छोटा एक है बड़ा. तो जो पहले पड़ता है वो है छोटा इको पार्क एंड देन हम आए नेक्स्ट वाले पे जो बड़ा है, जो से 500 मीटर आगे है. ये देखो, ये देखो पूरी बर्फ पड़ी हुई है, यहीं पर ही बहुत बर्फ है और दूर कहीं जाना ही नहीं है. और ये को पार्क बहुत बड़ा है, ऊपर पूरा रास्ता ऊपर तक, बहुत दूर तक ऊपर टॉप पे जाते हैं इसमें. हम भी जाएंगे अभी और ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं. हेलो, आओ भाई सब लोग आ जाओ. और ये हमारा प्यारा प्यारा फाइनली वी रीच्ड धनौल्टी एट धनौल्टी इको पार्क. और यहाँ पे स्नो ही स्नो और झूला झूलो इसमें. ये रहा, ये देखो बर्फ, पूरी बर्फ. तो दोस्तों ये देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, और जबकि बर्फ पड़े हुए काफी दिन हो गए उसके बावजूद भी यहाँ बहुत बर्फ बच रखी है अभी भी, क्योंकि मौसम ठंडा है, बर्फ मेल्ट नहीं हुई है. तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम इको पार्क में टॉप की साइड, वहाँ पे बर्फ होगी और ये पड़ी है बर्फ बहुत सारी. ये विजिटर्स ये देखो दोस्तों बर्फ ही बर्फ, बर्फ का अंबार. बहुत बर्फ पड़ी हुई है, अभी भी बहुत बर्फ है. बढ़िया बर्फ पड़ी हुई अच्छी खासी, वाह एंजॉय करने लायक, बहुत अच्छी बर्फ पड़ी दोस्तों. So viewers, अभी भी मौका है, जो अगले हफ्ते भी आएंगे वो भी बर्फ का मजा ले सकते हैं.
इतनी बर्फ अभी भी है। सो नेक्स्ट वीकेंड तक अगर आप आने के प्लान करते हो सकता है अभी आपको बर्फ मिल जाएगी, होपफुली मिल जाएगी अगर मौसम और गर्म नहीं होता, बट यहाँ भी यहाँ मिलने के पूरे चांस है। ये देखो ऊपर ऊपर तो बर्फ पड़ी हुई तो फ्रेंड्स अब चल रहे हैं, ठंडा भी है काफ़ी और अब थोड़ी देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से देहरादून है 2-2.5 घंटे का रास्ता, तो अब चलते हैं और ठंड भी बढ़ रही थी। तो ये देख लो एक बार और इको पार्क धनौल्टी का, ये दूसरा वाला है, बड़ा वाला जो ने बताया, छोटा वाला पीछे पड़ता है जब आप आते हो मसूरी धनौल्टी की तरफ, तो सेकंड वाला है। तो ये बस इतना ही व्लॉग रहेगा क्योंकि बर्फ़ की कंडीशन दिखानी थी, मतलब बर्फ़ है कि नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक भी बर्फ़ होगी यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट वीकेंड आना चाहते हो तो आइए और बर्फ़ में आप घूम सकते हो। तो चलते हैं अब रास्ते चाय पी के घर निकलेंगे।